सतना राइस मिल एसोसिएशन ने ग्रामीण क्षेत्र में हो रही बिजली कटौती को लेकर विद्युत विभाग को ज्ञापन दिया और अघोषित बिजली कटौती को तत्काल बंद करने की मांग की है। ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही विद्युत कटौती से परेशान राइस मिल संचालकों ने आज फिर से विद्युत विभाग के जेई को ज्ञापन दिया और पर्याप्त बिजली देने की मांग की। राइस मिल संचालकों का कहना है कि 70% राइस मिल ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहाँ धान की डराई का काम किया जाता है। इन मिलर्स का कहना है कि ये कार्य बिना बिजली के संभव नहीं है, बिजली हमें पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पा रही, जिसकी शिकायत हम पहले भी कर चुके हैं। हमने सतना सांसद, जिला कलेक्टर और विद्युत विभाग के अधिकारियों को बिजली कटौती की समस्या के बारे में बताया, पर आज तक कोई ठोस कदम किसी ने नहीं उठाया, जिसको लेकर सभी राइस मिल के संचालक परेशान हैं। जी, ये हमारी बागराजन इंडस्ट्रीज़ के नाम से राइस मिल संचालित है। ये फतेहर मलगांव में पड़ती है, बाबूपुर डीसी में आती है। नवंबर दिसंबर से लेकर के लगातार 10 घंटे बिजली हमें मिल रही है, जो भी दो पार्ट में मिल रही है, 6 घंटे दिन में, 4 घंटे रात में। ना हमें बिजली के कारण मजदूर मिल रहे हैं, ना चलाने की हमारी कोई योजना बन पा रही है। इस स्थिति में प्रशासन एक तरफ ये कह रहा है कि आप हम उद्योगों को बढ़ावा देंगे ग्रामीण क्षेत्र में जो राइस मिल स्थापित हैं, और दूसरी तरफ हमें ना बिजली मिल रही है ना लेबर मिल पा रहे हैं बिजली के कारण। जेई साहब, एसी साहब, डीसी साहब, सबके सामने कई बार सामने प्रस्तुत होकर के हमने उनसे निवेदन किया कि हमारी समस्या का निराकरण किए, लेकिन आज दिनांक तक किसी प्रकार की हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कि आज हम लोग करीब 6 महीने से लाइट से परेशान हैं। हम लोग की जो राइस मिल है वो 70% राइस मिल है देहात में है, और इनका जो लाइट का शेड्यूल है ये कह रहे हैं कि हम 10 घंटे कटौती करेंगे, लेकिन हमको लाइट मिल रही कुल 6 घंटे। ऊपर के आदेश है कि आप लोग मिलिंग करिए, नहीं तो 3/7 में हम आपको जेल में डाल देंगे। 30% मिलिंग करना गवर्नमेंट की अनिवार्य। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।